बहुत बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पे, जो आसपास रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे। और ये जो आग लगी है, सरकार का एक जगह कहना है कि पॉल्यूशन हम कम कर रहे हैं, और दूसरी जगह यहाँ पे आग लगी हुई है, इससे कितना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है यहाँ। क्यों लगी ये आग, पहली बात तो गौर देने की बात ये है, और दूसरी बात अगर लगी तो कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही है। लगी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और इससे इतना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे, बसेस चला रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सब्सिडी दे रही है, दूसरी जगह यहाँ आगे लग रही है, कंट्रोल हो रही है, सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, ध्यान दे नहीं रही है सरकार कि ओवरऑल कैसे हमें कार्बन एमिशन को कम करना है ताकि हम पॉल्यूशन कम कर पाए और वर्ल्ड में एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाए कि इंडिया वर्क कर रहा है। शाम को 6 बजे हमें कॉल मिली है कि गाजीपुर खत्ते में आग है, और जो है यहाँ पर जो है 10-12 गाड़ी लगी हुई हैं, 10 के करीब हैं, 4 गाड़ी ऊपर लगी हुई हैं, और जो बड़े बड़े बाउजर हैं वे नीचे खड़े हुए हैं, वे चढ़ नहीं सकते और आग बुझा रहे हैं। यहाँ पर वाटर बाउजर हैं, टंकियाँ हैं, वाटर बाउजर तो नीचे ही खड़े हैं क्योंकि ये चढ़ने में असमर्थ हैं, और जो है ऊपर जो है 4 गाड़ी लगी हुई हैं, कुछ खाली होकर के आ रही हैं, कुछ भर के जा रही हैं। JCB से काफ़ी मदद मिल रही है क्योंकि ढेर जो काफ़ी ऊंचा है, हीट भी ज़्यादा है वहाँ पर, जो है आग बुझाने में थोड़ी हीट के कारण भी दिक्कत आ रही है। इनमें गैस बनती है, गैस से ही आग लगती है, जो गीला ये होता है मेटल कबाड़, उसके दबे रहने से हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है, गैस से ही आग लगती है, कोई जनहानि नहीं हुई है।